लोंधी ज्वेलर्स 25 साल का शुद्धता का भरोसा लोंधी ज्वेलर्स सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड नागपुर। कन्हान पुलिस स्टेशन अंतर्गत खदान में बल्लन गोस्वामी और चिंटू राजपूत द्वारा फायरिंग करने की जानकारी सामने आई। हालांकि फायरिंग में किसी भी प्रकार की कोई जान हानि नहीं हुई है और इन दोनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आखिर क्या घटना घटित हुई? बार बार कन्हान में इस तरह की फायरिंग की घटना से कन्हान पुलिस की भूमिका आदि सवालों के जवाब और इस घटना संबंधी अधिक जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता ऋषभ बावनकर इनसे। ऋषभ जी, कन्हान पुलिस स्टेशन अंतर्गत फायरिंग की फिर एक बार घटना सामने आ रही है, क्या मामला है, किस प्रकार की घटना घटित हुई है, क्या इसे अफवाह के तौर पर भी देखा गया था, क्या घटना घटित हुई? शनिवार को दोपहर के समय कामठी कॉलोनी खदान में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फायरिंग हवाई फायरिंग की घटना सामने आई है। लेकिन पुलिस से पूछताछ करने पर शाम तक ऐसा कुछ घटना नहीं हुई उनका ऐसा कहना जा रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ पे कुछ फायर के कुछ सबूत मिले हैं, जिसके तौर पर शाम तक आरोपी बल्लन गोस्वामी और चिंटू राजपूत इनकी और इतर आरोपी के खिलाफ मामला आरमैट का मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है। जी, बार बार इस प्रकार की घटनाएं कन्हान में फिलहाल में घटित हो रही है। अभी अभी ऐसी ही एक फायरिंग की घटना घटित हुई थी, तो क्या कन्हान पुलिस की भूमिका क्या है और क्या कन्हान पुलिस की कार्रवाई पर और उन पर क्या अपराधियों का खौफ नहीं रहा है? इस प्रकार की चर्चाएं भी जनता से सामने आ रही है, तो क्या पुलिस की भूमिका रही है? दिसंबर माह में एक ऐसी घटना सामने आई थी जहां वेकुली सुरक्षा कर्मचारी पर गोली से हमला हुआ था। 2 से 3 दिनों में उसका उपचार दरमियान मृत्यु हुआ था। हालांकि कई दिनों से कुछ महीने कन्हान शहर में आपराधिक गुंड प्रवृत्ति का थैमान काफी बड़ा हुआ है। इसके चलते कन्हान पुलिस के प्रशासन के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस प्रकरण में भी जो दूसरा आरोपी है चिंटू राजपूत वह तड़ीफार था, ऐसी बात सामने आ रही है फिलहाल, जिसके चलते फिर एक बार पुलिस के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। जो घटना घटित हुई है वो काफी संदिग्ध रही है और काफी देर तक इस घटना को उजागर नहीं किया गया। क्या कहा जा सकता है कि इसे एक अफवाह के तौर पर भी लोग ले रहे थे, तो क्या पूरी मतलब अफवाह क्यों मान रहे थे लोग? पुलिस का ऐसा कहना, पुलिस से इस प्रकरण में पूछताछ करने पर पुलिस का ऐसा कहना था कि फिलहाल घटना ऐसी कुछ उनको उस टाइम में कुछ सबूत नहीं मिले थे घटनास्थल पे, जिसके तरह वो अफवाह फैलने की जानकारी उनसे मिली थी। लेकिन कुछ देर के बाद फायर के कुछ पुख्ता सबूत घटनास्थल पर मिले, जिसके चलते ये मामला दर्ज हुआ है फिलहाल। जी, दो आरोपियों पर यह मामला दर्ज किया गया है, आगे की पुलिस की कार्रवाई क्या की जा रही है? फिलहाल अभी स्थानीय गुन्ने शाखा पुलिस और कन्हान पुलिस ये आरोपी की तलाश में टीमें जुट गई है और फिलहाल आरोपी फरार है जी, और आगे की जांच पुलिस कर रही है। धन्यवाद ऋषभ जी, आपने दी विस्तृत जानकारी के लिए। Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahare and Mr. Jay Edlewar provides you best teaching methods. IITG, Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation. MHT CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provides monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties, pick and drop nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together. गंजेपन, गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में।
American Non-Surgical Hair Replacement Center. Complete Hair Washable, Hair Weaving, Bonding, Tattoo and Piercing Center. Permanent and Temporary Tattoo. Sai Natural Beauty Care. Mr. Vinod Jamdade. 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar, Ram Mandir, CA Road, Nagpur. And Hari Archana Complex, block number 49, Udkhana Road, Medical Square, Nagpur.